थीम है वह है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 2001 में इसे घोषित किया गया था। 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में इसे घोषित किया गया। इस बार की जो थीम है 2024 शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। आप जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखा गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में 69वें सत्र में इसे स्वीकार कर लिया। कुल 131 देशों में 69 देशों ने इसका समर्थन किया। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। 2024 में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसको ध्यान देना आपको। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में, जबकि भारत में शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है भारत में, इसको मनाने का जो कार्यक्रम होता है वो आयुष मंत्रालय द्वारा होता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा 13 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में एक योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी जो थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। 22 जून विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 2017 से लगातार मनाया जा रहा है। विश्व में सबसे बड़ा वर्षावन अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो पहले स्थान पर अमेजन वर्षावन है और दूसरे स्थान पर कांगो वर्षावन है। तो अमेजन दक्षिणी अमेरिका में, कांगो मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये पहला देश बन गया। समलैंगिक विवाह यहाँ भी हो सकते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लोगों को दिया गया है, जबकि बाल साहित्य पुरस्कार 2024 लोगों को दिया गया है। तो कुल 47 लोगों को अभी हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। इसमें अंग्रेजी में के वैशाली को होमलेस के लिए दिया गया है, जबकि हिंदी में गौरव पांडे इनको स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी इस रचना के लिए दिया गया। विनोद बनात्रा भारतीय फिल्म निर्माता हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया और ये पहले भारतीय हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। द फ्लाई ऑन द RBI वॉल एक किताब है, इसको लिखा है अल्पना किल्ला वाला। इस पुस्तक को लिखा गया इनके द्वारा। RBI को 2024 के लिए जोखिम प्रबंधन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा दिया गया। अभी हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2024 का 9वां संस्करण जारी किया गया। सतत विकास समाधान नेटवर्क 2012 में स्थापित किया गया। इसके 3 सचिवालय हैं जिसमें न्यूयॉर्क, पेरिस और क्वालालंपुर। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, क्वालालंपुर आप जानते हैं मलेशिया की राजधानी है। तो सतत विकास में कुल 167 देश शामिल हुए और इसमें यह बताया गया है कि विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्यों का जो केवल 16% ही 2030 तक प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि SDG जब निर्धारित की गई थी उसमें लक्ष्य रखा गया 2030 तक सभी लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। जितना लक्ष्य रखा गया 2030 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट में कह रहा है
कि 2030 तक केवल जितना लक्ष्य रखा गया उसका 16% ही हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। 167 देशों में अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत 109वें स्थान पर बना हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये 11 श्रेणियों में, इसमें 11 श्रेणी है। इसका मूल्यांकन WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हुए। भारत का 176वां स्थान है, यानी नीचे देखा जाए तो 5वें रैंक पे है। पहले स्थान पर इस्टोनिया है, दूसरे पर लग्जमबर्ग, जबकि तीसरे स्थान पर जर्मनी है। स्पीकर, अभी 4 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव हुआ है, जिसमें उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उसमें सुरमा पाढ़ी महिला हैं, ध्यान देना। सिक्किम में सिंगवा नोरबू शेरपा, अरुणाचल प्रदेश में तेमंग तेसम पोंगटे, आंध्र प्रदेश में सी आयना पुत्रु, इनको विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93(1) में है, जबकि विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख अनुच्छेद 180(1) में किया गया। अब तक 3 लोकसभा के ऐसे प्रोटेम स्पीकर बने हैं जो बाद में स्पीकर भी बने, जैसे जीपी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह और सोमनाथ चटर्जी। ये प्रोटेम स्पीकर भी थे, बाद में यही स्पीकर भी बने। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने उनको ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, सिक्किम में पीएस गोले, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साईं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, ये लोग ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद, गुड नाइट।